हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। मेरा नाम रेनू है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुद का ध्यान रख रहे होंगे और सबको ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स और हीलिंग भेज रहे होंगे। जब आप सबको शामिल करते हो अपनी प्रेयर्स में, दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हो, तो खुद ब खुद आप रिसीव करते हो पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव वाइब्स को और बहुत सारे मिरेकल्स को अपनी लाइफ में और ब्लेसिंग्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग है कि कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको आप रिसीव करोगे आने वाले 3 महीने में। तो यहाँ पे मेरी इंटेंशंस 3 महीने की है और आने वाले 3 महीनों में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी और होंगी आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर है मेरे पास 3 पायल्स, तो आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो या फिर ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो। ये है पर्ल ब्रेसलेट जो है, और कार्ड है मेक म्यूज़िक। यहाँ पर है ये शाइनी ब्रेसलेट और कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन, और लास्ट वन है ग्रे ब्रेसलेट और वेकेशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 के साथ। हाय पायल 1, तो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है या फिर पर्ल ब्रेसलेट को चूज किया है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत सारा पैशन है आप में, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने पैशन को लेकर। तो यहाँ पर अगले आने वाले 3 महीनों में आपका ये वो जो ईगो पार्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि वो ईगो जो आपको रोक रही है कि आप नहीं कर सकते हो, आप अबंडेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी इतनी भी अच्छी नहीं है, वो सारी बातें जो आपकी ईगो की वजह से आप जो है सामने नहीं आ रहे हो, अपने इस पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने आप की ट्रू सेल्फ को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आपकी ट्रू सेल्फ आपको बोल रही है फॉलो करने के लिए, यहाँ पे उस कंफर्ट जोन से, उस ईगो से आप बाहर निकलने वाले हो अगले 3 महीनों में, और डेफिनेटली आप अपना ये पैशन फॉलो करने वाले हो। यहाँ पे वो लड़की गोल्डन इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, जिससे मुझे ये भी फीलिंग आती है कि अगर आप अबंडेंस अपने फाइनेंसेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ, तो ये जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है उसमें आप काफ़ी सारी अबंडेंस भी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो सिंगिंग, डांसिंग, तो अगर आपने अपने आप को किसी भी क्रिएटिव टैलेंट को दबा के रखा हुआ है, आप दुनिया को दिखा नहीं रहे हो या डरते हो, एंशियस हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उससे आप बाहर निकलने वाले हो अगले 3 महीने में। तो जब आप उसको फॉलो करोगे अपने क्रिएटिव पैशन को, वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होगा, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफ की, चाहे वो फाइनेंसिस के लिए है आप, या कुछ अपना चैनल खोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप फेमस होना चाहते हो, आप इस अपने इंस्पायर करना चाहते हो, इस क्रिएटिव टैलेंट से लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, टीच करना चाहते हो इस टैलेंट को, कुछ भी फाइन अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो कर पाओगे और वो आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन वाला मूवमेंट होगा आने वाले 3 महीनों में। तो मेन फोकस आपका पायल 1 ये है कि आपको अपने पैशन को निखारना है। तो अभी भी अगर आप जो साल का 1/3 जो पार्ट है वो निकल चुका है, तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आप इस टैलेंट को निखारना चाहते हो, आप सीख सकते हो और क्लासेस ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो उसके ऊपर जितनी कर सको। प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं आप जो है ना वो उसमें एक तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे और अपनी ईगो को डिसॉल्व कर लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नेक्स्ट आने वाले 3 महीनों में। ये कार्ड जो है, कहीं ना कहीं आप अगर इस ये करंट सिचुएशन भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, आप जैसे हम लोग अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको बोलेगा कि हाँ कि आपको उठ के ये अपने पैशन को फॉलो करना है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने स्पिरिट गाइड्स की, जो आपकी इंट्यूशन या स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इनकरेज करेगी
तो आप डेफिनेटली उसको सुनोगे। ये आपकी राइट नाउ की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये चेंज होने वाली है आपकी सून, कि आप एक्चुअल में एक्शन लोगे उठकर और टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो जो अभी भी कप आपके पास अवेलेबल है, यानी कि ये कप अभी भी आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, डाउट कर रहे हो, जो मैंने बोला यहाँ पर, तो इसमें आप डेफिनेटली अपने दिल की सुनने वाले हो, अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो, और एक्चुअल में इस कप को एक्सेप्ट करके और पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने वाले हो, अपनी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने वाले हो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। नेक्स्ट, जो भी आपको जो लोग हैं या कोई ओल्ड एनर्जी है, ओल्ड बिलीव्स हैं आपके खुद को ही लेकर, वो बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज करने वाले हो। यहाँ पे फुल मून, जो फुल मून की एनर्जी होती है वो रिलीजिंग की एनर्जी होती है। एक साइकिल ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली, लेसन सीख लिए कि हाँ ये चीज़ें जो है ना मुझे सर्व नहीं करती हैं, ये थॉट्स, ये बिलीव्स मुझे सर्व नहीं करते हैं, राइट? तो उनको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ये आपको जो ये दो स्टेप्स हैं ना यहाँ पे है, ये जो स्टेप्स हैं यानी कि ग्रोथ, वहाँ तक पहुँचना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, सीखना। क्रिएटिविटी क्या होती है? सेल्फ एक्सप्रेशन, चाहे वो हम लोग बोल के करें, कम्युनिकेट करके करें, या फिर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है आप नहीं देख पा रहे हो, वो इस वजह से क्योंकि आपको अपने बिलीव्स को रिलीज करने की ज़रूरत है। उनको जो आप पकड़े हुए हो, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के बिलीव्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकती हैं कि हाँ ये क्या करेगी, ये तो नहीं कर सकती, राइट? यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेमिनाइन ही होने ज़रूरी है इस रीडिंग को सुनने के लिए। फेमिनाइन मोर यू नो क्रिएटिव, सेंसिटिव, इंट्यूटिव, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी दे रही है, इंस्पिरेशन भी दे रही है, आपको बता रही है कि आपको उठ के इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके बिलीव्स हैं, अगर आपको उनको रिलीज करोगे तो आप डेफिनेटली ये ग्रोथ, जो ये टू स्टेप्स हैं यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच पाओगे, टॉप तक पहुँच पाओगे। ये वही है कि आपने फॉलो कर रहे हो, वो रिलीज कर रहे हो, उस वजह से आप अब जो लोग जज करते हैं आपको, आपकी वर्थ को नहीं समझते, वो एक्चुअल में समझेंगे। आप उनकी जजमेंट को आप भूल जाओगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग, हमारा दिल करता है बहुत कि हम लोग गाना गाएं, कई लोग तो वो मन में ही रख लेते हैं कि हाँ आसपास वाले सुन रहे होंगे तो वो क्या कहेंगे, ठीक है मेरी आवाज़ कैसी है, कैसे गाती है, कैसे गाता है, राइट? लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल भी, चाहे आसपास आपके पूरी फैमिली क्यों ना हो, आप लोग केयर नहीं करते हो, आप जितना मर्जी, जिस तरह मर्जी गाते हो, क्योंकि ये आपके आत्मा की आवाज़ है। कोई आप सिंगर बनने नहीं जा रहे हो, या सिंगिंग में भी जा सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की, उसको निखारने की, ये सीखने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? लेकिन ये मोमेंट वो मोमेंट होगा कि आप लोगों की जजमेंट की भी केयर नहीं करोगे, वो भी रिलीज कर दोगे कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने पैशन को इंजॉय करोगे। यहाँ पे लड़कियाँ वो डांस कर रही हैं, अपनी सोल को सुन रही हैं, वो ये नहीं देख रही कि कोई क्या कहेगा कि कैसे डांस कर रही हैं, क्यों डांस कर रही हैं, वो इंजॉय कर रही हैं अपने पैशन के साथ। तो यहाँ पे वही आप करने वाले हो। तो अगेन यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग है, यहाँ पर भी सिंगिंग चल रही है। तो कई लोगों के लिए ये, अगर आपके पास सिंगिंग टैलेंट है या आप सीखते हो, तो आपको बाहर आने की ज़रूरत है, लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड, अगेन सेल्फ एक्सप्रेशन का। ये अगेन ब्लू कलर थ्रोट चक्रा का कार्ड। तो आप डेफिनेटली अपने पैशन को फॉलो करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, कि किस टीच कर रहे हैं। ये आपका कोई मेंटोर टीचर भी हो सकता है जो आपकी हेल्प करे, यहाँ पर आपको इनकरेज करे इस पैशन को अपने फॉलो करने के लिए। बट डेफिनेटली अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करते हो, ये जो है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि आप मोटिवेट कर पाओगे सोलर प्लेक्सस चक्रा की वजह से। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लैक की मेंटालिटी, विक्टम की मेंटालिटी में, कहूँगी मैं विक्टम मेंटालिटी में, खुद को लो समझना, खुद की वर्थ को नहीं समझना, यहाँ पे खुद को ही वो बोलना कि नहीं होगा, नहीं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ या कर नहीं सकता हूँ,
कैसे अचीव होगा मेरे ड्रीम्स जो हैं, और खुद को ही वो ईगो वाली उसमें अपने आप को लो फील करवाना, तो कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकलोगे और आप अपने टैलेंट को अपनाओगे, एक्चुअल में आप काम करोगे उसके ऊपर, आप परवाह नहीं करोगे कि कौन किसी को पसंद है, आपकी क्रिएटिविटी आपका काम पसंद है, आपकी सिंगिंग और डांसिंग या नहीं है, या लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आपके क्रिएटिव टैलेंट के बारे में, आप उसकी प्रवाह किए बिना आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जो बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। तो प्लीज फॉलो कीजिए, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लेके आ सकता है, क्योंकि यहां पर यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है अगले आने वाले 3 महीनों में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रही है पाइल नंबर 1। आप इस तरह से पर्ल की तरह चमकने वाले हो। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एंजल कार्ड क्या है आपके लिए। आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल हैनियल मैं बताना चाहती हूँ, आर्कएंजल हैनियल जो होती है वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट, जो आप भी आप गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स लेकर पैदा हुए हो उसको आपके साथ जोड़ने में, ओपन करने में आपके गिफ्ट्स वो हेल्प करती है। तो ये आर्कएंजल हैनियल का कार्ड बिल्कुल बेस्ट कार्ड है इस पाइल के लिए। नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन एंड कैपिटलाइज अपॉन दीज साइकल्स। तो आप लोगों की, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में मैं देख रही हूँ, जो आर्टिस्ट होते हैं वो हाई वाइब्रेशन होते हैं, खुद के टैलेंट के ऊपर काम करते हैं, खुद की सिंगिंग डांसिंग जो भी उनके गिफ्ट्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, हाई वाइब्रेशन होते हैं, वो बड़ी इजिली सोल की अपनी सुन पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई है तो आपको इस टैलेंट को फॉलो करते करते अपने मैनिफेस्ट भी कीजिए। सिर्फ आप एक मंत्रा लिख सकते हैं, आई एम क्रिएटिव, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, अफर्मेशन लिख सकते हैं बार बार, ताकि आप जो है क्रिएटिवली आपकी क्रिएटिविटी आप मैनिफेस्ट कर पाओ, अपने पैशन को मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी है टैरो सीखने के लिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हाय पालतू, तो अगर आपने शाइनी ब्रेसलेट चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। और आपने चूज किया है ये कार्ड डिटॉक्सिफिकेशन। ये कार्ड मुझे बताता है कि बहुत देर से आप किसी डार्क पैटर्न, किसी डार्क साइकिल, किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आपका ऑरा बहुत ज्यादा डार्क है, टॉक्सिक एनर्जी है आपके अराउंड। तो आने वाले 3 महीने में क्या होगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप डिटॉक्सिफाई होने वाले हो इमोशनली। आपको अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अगर आपको लगता भी है ना कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो 100% हम लोगों को कहते हैं ना कि तभी होती है जब हम लोग किसी डार्क प्लेस से बाहर निकल आते हैं, उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं जो आपकी एनर्जी पर जीते हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो ड्रेन करते हैं आपके ऑरा को, ऐसे डार्कनेस से भर देते हैं आपके ऑरा को, तो उनसे आपको निजात मिलने वाली है। कईयों के लिए स्किन इश्यूज हो सकते हैं जो बेटर हो जाएंगे, हील करेगी स्किन भी आपकी, हील करेगी आगे आने वाले 3 महीनों में। इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, आप ऐसे प्लेस से, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे, दूर हो जाएंगे। ये हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आप ऐसी जॉब्स में हो जहाँ पे आपके अराउंड टॉक्सिक पीपल है, जिस वजह से जो है आप हमेशा ड्रेन फील करते हो, हमेशा थके हुए फील करते हो। उस प्लेस से आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हो खुद को, अपने आप को यहाँ से निकाल रहे हो, जिससे आपका जो है बेटर कनेक्शन हो पाएगा अपनी खुद की सोल के साथ। स्पिरिचुअल जर्नी पर आप अपनी ग्रोथ देख पाओगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इमोशनल डिटॉक्सिफाई करना, हीलिंग करना, फुल एंड फाइनल हीलिंग वाला जो चैप्टर होता है वो मैं बोल रही हूँ आपको। फुल एंड फाइनल हीलिंग यानी कि फुली जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लास्ट चैप्टर होता है वो आपका शुरू होगा, जिसमें फुली ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे आप, बिल्कुल एक 360 डिग्री पर आपकी फुली चेंज हो जाएगी लाइफ में, जो नई जॉब, नया घर, नया प्लेस रहने का, न्यू सोल फैमिली आपकी,
सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट कर पाओगे, अच्छी तरह से उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे लाइक माइंडेड पीपल को, जिस तरह की आपकी एनर्जी है। जब ये डार्क एनर्जी में रहते हैं तो उस तरह की और एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हो, उस तरह की और लोग आप अट्रैक्ट करते हो, लो फ्रिक्वेंसी वाले, और ज़्यादा आप ड्रेन्ड फील करते हो। तो जब आप इससे बाहर निकल आते हो तो आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप अट्रैक्ट होना चाहिए, जो लोग आपके आसपास एक्चुअल में होने चाहिए, उस सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट कर पाते हो। तो आने वाले 3 महीनों में पाइल टू आप फुली जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो लास्ट मुझे नज़र आ रहा है कि 1/4 या लास्ट का 10% जो है ना, आपको जो फुली ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे आप 90% 80% आप काम कर चुके हो खुद के ऊपर, लेकिन वो जो लास्ट चैप्टर है आपका वो बदलने वाला है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म होना जो ज़रूरी है वो आप देख पाओगे एक्चुअल में आने वाले 3 महीनों में। नेक्स्ट होते हैं अबंडेंस। अबंडेंस जो शायद आप पास्ट में या प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप फाइनेंसिस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ये जो अगले 3 महीनों में बहुत सारा धन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हो सकता है आप घर सेल करने वाले हो जिससे आप बहुत सारी मनी सेव कर पाओगे, या इन जो टॉक्सिक पीपल हैं अगर आपकी मनी को यूज़ करते थे या आपसे ले लेते थे जो भी होता था जिस वजह से, या आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे ईजिली मनी को अपने अपने ये डार्क ऑरा की वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे, तो वो ईजिली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, यानी कि अट्रैक्ट कर पाओगे इस धन को। अगेन 6 of Pentacles, बहुत सारा धन आपके लिए, यहाँ पर भी पेंटिकल्स, यहाँ पर भी पेंटिकल्स, बहुत सारा धन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है अगले 3 महीनों में। तो अगर आपको राइट नाउ टेंशन है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी मनी आपकी लाइफ में आते हुए अगले 3 महीनों में देख रही हूँ। जब आप डिटॉक्सीफाई करोगे ना, तो बहुत ईजिली आप हाई वाइब्रेशन से इस धन को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रही है, मिस्टिसिज्म। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर कदम रख रहे हैं या ऑलरेडी अगर आप हो वहाँ पर, लेकिन आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत सारे डाउट्स हैं खुद को लेकर कि कैसे होगा, कब होगा, ये जो लेयर्स हैं डाउट्स की, फियर की, या आपकी थर्ड आई चक्र जो है फुली ओपन नहीं हुई है, हील नहीं हुई है, यहाँ पे ये सारी लेयर्स जो है निकलने वाली हैं, यानी कि वो सारी लेयर्स हटने वाली हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, वो सारे जो ये डोर है आपके लिए खुलने वाला है, प्रत्यक्ष आप देख पाओगे सब कुछ अपने सामने होता हुआ। कई लोग किसी मेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी टीचर के साथ, उस वजह से जो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ कोर्सेज में साइन इन कर सकते हो आप आने वाले 3 महीनों में, जिससे ये सारी लेयर्स जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किस तरह से स्पिरिचुअल जर्नी काम करती है, क्या करने आए हो, अपने सोल पर्पस के बारे में जानना, बहुत हजारों क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी लेयर्स ओपन होने वाली हैं आपके आने वाले 3 महीनों में। ये नया कुछ सीखना, पेज ऑफ पेंटिकल्स में, तो आप थोड़ा स्टॉप लोगे तो ये सीखोगे, ये सीखने वाला समय होगा आपका, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, जिससे जो है आप ये खुद लेयर्स जो है हटनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, एक्सपेंशन। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है कि आप एंजल से कनेक्टेड हो या नहीं, अपनी स्पिरिचुअल टीम से, अपने मास्टर से कनेक्टेड हो या नहीं हो यहाँ पे, या फिर जो भी मेंटोर या जिस टीचर से आप जुड़ोगे वो आपको एक्चुअल में आप प्रत्यक्ष देख पाओगे इस एनर्जी को, इस चमत्कार को आप बोल सकते हो, या हेल्प आपको, हम लोग कहते हैं ना कि हाँ मुझे हो रहा है, जिंदगी मेरी चेंज हो रही है, लेकिन एक मोमेंट पे कि क्या आप एक्चुअल में नोटिस कर पा रहे हो चेंजेस को, अपनी एक्सपेंशन को, अपनी ग्रोथ को, तो ये मोमेंट वो मोमेंट होगा कि एक्चुअल में आप देख पाओगे कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, जब भी आप हेल्प मांगते हो तो वो हेल्प करने के लिए आपकी रेडी है, और आप देख पाते हो ये सब चेंजेस होते हुए, यानी कि बिग चेंजेस आपकी लाइफ में वो हो रही हैं, और वो आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप जो भी मांगोगे, जब भी चाहोगे, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ट्रुथ, जो ट्रुथ नहीं देख पा रहे थे आप कितनी देर से, या ढूंढ रहे थे ये सच्चाई,
वो सच्चाई आपको ये दिखाएगी आपकी स्पिरिचुअल टीम आने वाले 3 महीनों में, एक्सपेंड होते हुए आपकी विजडम जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्पल, आपकी थर्ड आई, आपका थ्रोट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सारे ये चक्रा आपके हील होना, ग्रोथ देख पानी एक्चुअल में, मोटिवेट होना, हाई वाइब्रेशन में जाना, बहुत कुछ सीखना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, बहुत सारी क्लैरिटी ये स्पिरिचुअल टीम आपको देगी, ये ट्रुथ दिखाएगी जो आप काफी देर से आप ढूंढ रहे थे मुझे लगता, या एक्चुअल में देख नहीं पा रहे थे, तो वो ट्रुथ आपको बताया जाएगा। ये सत्य है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हो सकता है, कोई जीवन की ऐसी सच्चाई हो सकती है जो आपका पूरी लाइफ ही चेंज कर दे, और आपका सोल पर्पस हो सकता है आपका, जो आपको अभी तक नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो जो आप किसी टीचर या मेंटर से जुड़ोगे या कुछ नया सीखोगे या फिर आप एक्सपेंड करोगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, एक्सपेंड होगे, आगे बढ़ोगे, तो ये सब कुछ आपको ट्रुथ जो है आपकी लाइफ का, क्या करने आए हो आप इस धरती पर, वो सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, पाइल 2, टेक बैक योर पावर। ये यहां से आएगी, जब आप डिटॉक्सिफाई होगे, वो पैटर्न में से निकलोगे, लोगों को, टॉक्सिक लोगों को छोड़ के जाओगे, तो एक्चुअल में ये आपकी पावर, आप फर्स्ट टाइम जो है, जो आपने पावर लोगों को दे रखी थी, जो लोग आपका फायदा उठाते थे, ड्रेन करते थे आपकी एनर्जी को, यहां पे एक्चुअल में आप फील कर पाओगे, क्योंकि ये पावर आपके पास वापस आने वाली है। Archangel Raziel, use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. तो जो भी आप manifest करना चाहोगे वो easily आप manifest कर पाओगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि high vibration में जाना, ये आपको नहीं पता कि आपकी ताकत क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप ये darkness में फंसे हुए हो। जब आप इससे निकलोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कितनी easily manifest कर पाते हो, किस इतना कनेक्टेड हो आप स्पिरिचुअल टीम को, और किस तरह से वो आपकी हेल्प कर रही है। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है पायल 2, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के लिए। बहुत सारे ट्रुथ का आपको पता लगेगा, अपने सोल पर्पस का पता लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों को स्पिरिचुअल लोगों को कई बार इनसिक्योरिटीज होती हैं धन को लेकर, तो वो आपका बहुत सारा धन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, जिससे आप ना टेंशन फ्री होकर खुद के ऊपर काम कर पाएंगे, यू नो, आगे बढ़ना जो भी आप करना चाहते हो। और ये कोर्सेज सीखने के लिए, कोर्सेज सीखने के लिए भी मनी चाहिए होती है, तो वो आपको डेफिनेटली मिल रही है, मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये थी पायल 2 आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जितने भी आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो, थैंक यू सो मच, जो पॉजिटिव कमेंट्स देते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। I really, really appreciate it. Thank you so much for watching and bye for now. चलते हैं पायल 3 की तरफ। Hi पायल 3। तो अगर आपने ये वेकेशन कार्ड चूज किया है या फिर इस ब्रेसलेट को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। अगले 3 महीनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं सब पायल्स में। तो यहाँ पर है वेकेशन, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज की वेट कर रहे हो, कोई काम होने वाला है आपका, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाए फिर आप घूमने जाओगे। कुछ इस समय भी बाहर ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग नहीं निकल सकते हैं, हम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा, डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी अगले वाले 3 महीनों में वेकेशन, जहां पर भी आप जाना चाहते हो या अपनों को मिलना चाहते हो, ये वेकेशन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है आने वाले 3 महीनों में। कई लोग जो है किसी रिलीजियस प्लेस पर, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना चाहते हैं पीस के लिए, राइट? वो सोल आपकी फुली कनेक्ट होना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ आपकी चाहती है कि आप ऐसे स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेस पर जाओ, तो वो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहां पर। तो थोड़ा सा और इंतजार, और जो ये वेकेशन होगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी, यानी कि वो रिलीज करना बहुत कुछ पुराना पास्ट का, और अपने आप को फुली हील करना और कनेक्शन फील करना डिवाइन के साथ, वो आपको हेल्प करेगा यहां पर। और देख लेते हैं कौन सी चेंजेस, कौन सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में पायल 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस है आपका, क्यों, जो आप उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहा था इस लाइफ में,
उन जो लोगों के साथ आप एक्चुअल में कनेक्ट करना चाहते हो, या आपकी सोल ट्राइब थी, तो कहीं ना कहीं आप ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो. उन लोगों के पास आ जाओगे, कनेक्ट कर हो पाओगे, बैलेंस क्रिएट कर पाओगे. वो यू नो समटाइम क्या होता है कि हम लोग खुद इतने स्ट्रेस में होते हैं, पास्ट में होते हैं, कि उसी तरह से हम उन्हीं लोगों को जो खुद स्ट्रेस्ड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि आप ट्रांसफॉर्म होते हो, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ और रीबर्थ होता है, तो आप लोग रेडी होते हो अपने सोल पर्पस पे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ग्रो करने के लिए, और उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उस अपनी सोल ट्राइब को, सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए, जो एक्चुअल में आपकी हेल्प करेंगे आपके लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए, प्लस जो आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, आप उनको सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे. तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपका बढ़ता हुआ अपनी सोल ट्राइब के साथ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आओगे. जो इम्बैलेंस हुई हुई है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, क्योंकि शायद आप उन लोगों से कनेक्टेड नहीं हो जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको इनकरेज करें, आपको बैलेंस करें, राइट? तो यहाँ पे यो जो यू नो स्नेक एनर्जी हो सकती है आपके अराउंड, यानी कि कोई लोग स्नीकी लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, कहीं ना कहीं आप ये एस्केप करके यहाँ से, इस एनर्जी से, उन लोगों से, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे अगले 3 महीनों में, और उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे जो आपकी सोल ट्राइब है. यू नो बाउंड्रीज सेट करनी, खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी, ताकि और जो लोग हैं आपका फायदा ना उठा सकें. नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन उन लोगों के साथ कनेक्ट करना जो आपकी आने वाली लाइफ में बहुत बड़ा बिग हाथ हो सकता है, आपकी चेंजेस में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में. तो उन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जहाँ पर ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, उसको, उस जगह को आप छोड़कर जा रहे हो, और एक्चुअल में इमोशनली, मेंटली आप अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो. ये आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनसे आप दूर थे पहले, या फिर कोई भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में री एंटर कर रहे हैं जो आपके बैलेंस भी करेंगे आपको लाइफ को, और आपको इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे. यहाँ पे कप की एनर्जी है जो इमोशनल सपोर्ट करेंगे आपको आगे बढ़ने में, ये यू नो ग्रोथ में, यहाँ पे लैडर्स हैं काफ़ी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे आपको. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर पर्सन जो है इनकरेज नहीं कर पाता, तो एक्चुअल में ये लोग आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इनकरेज करने वाले हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है, उसको पता है अपने लाइफ के बारे में, क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी. तो जब आप उस जगह से निकल जाते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको आने वाले 3 महीनों में मिलने वाली है. जब आप इस सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ के लिए क्लैरिटी मिलेगी, कि किस तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हो, किस तरह से आगे बढ़ सकते हो आप. तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव होगा आपका. तो अगर आप, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके लाइफ में थी पहले, बहुत सारी च्वाइसेस, बहुत सारी इल्यूजन्स आपकी लाइफ में थी, जिस वजह से आप एक जगह पर खड़े थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ को, लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी, और वो कट करना, सिर्फ उन लोगों को रखना जो उसको सर्व करेंगे, जो उसकी हेल्प करेंगे, जिनको वो सपोर्ट करेगी और हेल्प भी करेगी. यहाँ पे वो क्लैरिटी, अपना पाथ को क्लियर करना, अपनी फ्यूचर को देख पाना, प्लान कर पाना, अगेन जो है ये बैलेंस का, इम्पार्शियलिटी बैलेंस, यहाँ पे आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है. जैसे ही क्लैरिटी आएगी, आप बड़े कॉन्फिडेंटली एक्शन ले पाओगे, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस कर पाओगे. तो अगर आप बहुत देर से बैलेंस नहीं देख पा रहे हो अपनी लाइफ में, ये वो भी मुझे लाइफ लग रही है कि आपने अपने लाइफ लेसन सीख लिए हैं, अब आप उन लाइफ लेसन को अप्लाई करोगे इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में, एक हैप्पी कॉन्फिडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, जिस तरीके से आप जीना चाहते थे, अपने ट्रुथ के साथ, यू नो अपनी क्लैरिटी के साथ. मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है कहाँ जाना है, मुझे अपनी लाइफ खुद ही लीड करनी है, तो वो एक बैलेंस, एक विजडम के साथ.
अगेन ये प्लान करना, क्लैरिटी और वो प्लान करना, पहले इल्यूजन से बाहर निकलना, खुद को बैलेंस करना, अपनी सोल ट्राइब से जुड़ना और यहां पर क्लैरिटी लेके आना और सोच समझ कर प्लान करना अपनी आने वाली लाइफ को, उन सब लेसन्स के साथ जो एक्सपीरियंस किए हैं आपने, लाइफ लेसन सीखे हैं, उनको सामने रख के अपनी लाइफ के लिए प्लान करना और आगे बढ़ना, क्लैरिटी लेके आना। यहां पे अगेन बैलेंस, वो कॉन्फिडेंस, वो इंडिपेंडेंस कि आप कुछ कर सकते हो, यहां पे अगेन वो प्लानिंग किस तरह से आप अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो, किस तरह से वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आपको चाहिए। और यहाँ पे ये आप लोग वो भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप कोई चैनल स्टार्ट कर सकते हो आने वाले 3 महीनों में, जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे, एक्चुअल में ऑनलाइन कनेक्ट कर पाओगे अपनी सोल ट्राइब के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए विजडम। ये विजडम जो आपने गेन की है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा, बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी के साथ, कई तरह की हीलिंग कोर्सेज आपने शायद लिए हुए हैं या कर रहे हो या करना चाहते हो आने वाले समय में। यहां पे वे प्लानिंग, यहां पे क्लैरिटी, यहां पर ये प्लानिंग आगे बढ़ने की, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से कनेक्ट करना है, और यहां पर वो विजडम, वो सारी विजडम के साथ आप कनेक्ट करने वाले हो, जिस जो विजडम आप सीख कर या फिर आपको वो मिली हुई है जो आपने अपनी लाइफ की यू नो लाइफ लेसन से सीखी है, जो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस से आपने सीखी है, वो आप रेडी हो उस विजडम को शेयर करने के लिए लोगों के साथ। तो आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऐसा शुरू करने वाले हो जो विजडम को शेयर करोगे अपनी, और उससे आप बहुत ज़्यादा सोल ट्राइब को के साथ कनेक्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में उस पॉजिटिव एनर्जी को जो आप और वो लोग, आपकी सोल ट्राइब हेल्प करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट बनेंगे, एक सपोर्ट सिस्टम होगा आपके पास। एस ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत सारे आइडियाज आपके पास आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, बहुत सारे हीलिंग कोर्सेज आप साइन इन कर सकते हो, बहुत सारे आपको आइडियाज दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको आइडियाज दिए जाएंगे कि किस तरह से आप और ज्यादा जो है विजडम गेन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी ग्रोथ में खुद की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप लाइट वर्कर्स एम्पैथ हो जो आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, बहुत सारी आपकी विजडम, आप बहुत सारी विजडम आने वाले 3 महीनों में गेन करने वाले हो। कुछ कुछ पैशन हो सकता है, जैसे कई लोगों का टैरो सीखना पैशन है, यहाँ पे आप टैरो सीख सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा गेन करने वाला जिससे आपकी विजडम में डेफिनेटली एक्सपेंशन है। एंजल से कनेक्शन देख पा रही हूं मैं, ये सब कुछ आपको, ये न्यू बिगनिंग और ये बहुत सारी आपको स्टेयर्स दी जा रही हैं आपकी ग्रोथ के लिए, बहुत सारे आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं, इंस्पिरेशन आपको दी जा रही है, जो भी आप पिक करके यूज करना चाहें या जिसमें भी आपको लगे कि आपको सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए सब सब आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, Pile 3, ऑल इज वेल। Archangel Jeremiah, everything is happening exactly as it's supposed to, with hidden blessings you will soon understand। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो जहाँ पे वेट कर रहे हो या फिर कहीं ना किसी चीज का डर है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है आपके साथ, तो ये आप देख सकते हो कि कितनी सारी चेंजेस यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड निकले हैं, बाकी सबके लिए 3 कार्ड निकले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारी सोल ट्राइब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी क्लैरिटी ट्रुथ को और बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहां पर, जो आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Pile 3। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो सीखने के लिए हमेशा ही मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।